हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मोहब्बत का शरबत, जो कि रमज़ान में सबसे ज़्यादा बनाई जाने वाली ये ड्रिंक्स है। ये हेल्थ के साथ साथ आपको टेस्ट भी देगी, बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनकर ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्ज़ा भिगो देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लिया है और आधा चम्मच सब्ज़ा ले रही हूँ मैं, और इसको हम भिगो के रख देंगे जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इसको भीगने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 6 मिनट के अंदर ये भीग के तैयार हो जाते हैं। तो इसको हम अब साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है आधा वाटरमेलन यानी तरबूजा, और इसको थोड़ी सी ठंडी भी लग गई है फ्रिज में। हम छुरी से इस तरीके से काट लेंगे, पहले वर्टिकल में, जितना बारीक हो सके उतना बारीक इसे हम कट कर लेंगे। इससे इसकी जूसिंग निकालने में इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें छुरी से कट कर लेना है। तो इसको मैंने काट लिया है और इसको अब करते हैं ब्लेंड। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है और ब्लेंडर की मदद से इसका जितना पॉसिबल हो सके जूस बना लेंगे। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है और अब एक छन्नी रख देंगे और छन्नी में जितना भी जूस हमने निकाला है उसे ऐड कर देंगे, और जितना भी कलिंगर इसमें लगा हुआ है सारा खुरच के निकाल लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे, और इसे एक चम्मच की मदद से अच्छे से दबा दबा कर इसे हम छान लेंगे ताकि सारा जूस हमारे बाउल में आ जाए। तो इस तरीके से हमें छानना है, और ये देखिए इतना पल्प हमारा बच गया है। तो इसको डिस्कार्ड नहीं करना है, इसे हम गार्निशिंग के लिए यूज़ में ले लेंगे, और हमें इतना जूस मिल गया है। तो अब हम इसको कर लेते हैं सर्व। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक गिलास, और इसमें ऐड कर देंगे आधा वाटरमेलन जूस, और दूसरे ग्लास में मैं सर्व कर रही हूँ आधा जूस, आधा आधा इक्वली मैंने डिवाइड कर लिया है। और अब इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ा जो हमने भिगो के रखा था। उसके बाद यहाँ पर मैं बर्फ़ डाल रही हूँ, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है तो ऐड करिए, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। और बर्फ़ डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ठंडा दूध, जिसे मैंने बॉयल करके अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया था, और इसमें अब दूध ऐड कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर। तो शुगर एज़ पर योर टेस्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड करिएगा, और उसके बाद इसे मिला लेंगे शुगर को अच्छी तरीके से। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें वाटरमेलन जो हमारा जूस निकाल के बचा हुआ था, तो उसी को मैंने ऐड किया है, और जब ये मुँह में आता है तो बहुत ही अच्छा फील होता है फ्रेंड्स। इसको ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी ड्रिंक है, समर में आप इसको यकीनन ज़रूर ट्राई कीजिए। इफ्तार में जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप इसे रोज़ बनाना पसंद करेंगे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।